नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले, जैसे आप सभी को पता है, आप मैं जो भी मेरा एनालिसिस देता हूं दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था कुछ, मैंने सेक्टर एनालिसिस के बारे में आपको बताया था कौन से सेक्टर निकलने वाले, कौन से रुकने वाले हैं। हमने एक बार देख लिया कि कहां कहां तक वो आ गए हैं। अब इस हफ्ते क्या कार्यक्रम है वो देख लेते हैं। और इस हफ्ते हमारे पास में सिर्फ 2 दिन है, आज का तो ट्रेड हो गया है, ट्यूजडे एंड वेनसडे 2 दिन है। कौन से लेवल तक एक बार जो नीचे आना चाह रहे सेक्टर्स वो आ सकते हैं, कौन से ऊपर जा रहे तो किस लेवल तक जा सकते हैं, या किसी में कोई पैनिक वाली सिचुएशन है, किसी से बाहर निकलना चाहिए कोई सेक्टर्स वाले स्टॉक्स में से, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ऑटो सेक्टर पे। सो दिस इज द ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके निकाला था, ये ब्रेकआउट करके यहाँ पे रुका हुआ है। तो अगर 2 दिन में ऊपर की तरफ में ऑटो सेक्टर निकलता हुआ दिखता है, ऑटो वाले स्टॉक्स आपको, तो ये सेक्टर भी अपना 11,130 के आसपास में आपको आता हुआ मिल जाएगा। थोड़ा अगर मैं प्रिसाइज इसको लगा दूं, थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे ये। सो इट इज अराउंड 11,100 के आसपास में आपको ऑटो वाला सेक्टर वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज द एनर्जी। एनर्जी एकदम टकाटक जा रहा है, क्रूड के प्राइसेस भी एकदम टकाटक जा रहे हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग एग्जैक्टली द सेम जो पिछले कई टाइम से हमको देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक भी हमने अच्छी खासी रैली बनाई, रुके थे 2 दिन थर्सडे फ्राइडे, फिर आज और अच्छे से निकाला है। तो अब ये कहीं ना कहीं अपने ओवरबॉट जोन में आ रहा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं थमना पड़ेगा। अब इसके पास में जो दरवाजे है, एक ज्यादा से ज्यादा अगर खींच देता तो 30,000 का एक लेवल है जहाँ पे निफ्टी एनर्जी अपने आने वाले टाइम में रुक सकता है, आपको रुकता हुआ दिख सकता है। तो एक रेड लाइन में लगा देता हूँ ऊपर की तरफ में, तो यहाँ तक कि इसके पास में फिलहाल तो दरवाजे ओपन है, आगे आगे देखते हैं कैसा क्या काम इसके अंदर में होता है। नेक्स्ट इज द आईटी। आईटी के अंदर में यहाँ से अब इसको लेवल को काट देना था, डॉटेड लाइन को नहीं काट पाया 36,400 को, तो एक बार नीचे के मारने के मूड में, तो ये अपनी ब्लू कलर की लाइन है 34,136 पे। सो मोटा मोटी 34,000 भी ले लूँ मैं तो इस लेवल तक बिल्कुल आ सकता है। और आई थिंक 34,000 पे या 34,000 के आसपास में 200 का डीएमए भी आ रहा है, तो अगर 200 के आसपास आना चाहते तो बिल्कुल आ सकते हैं। पर मेरे लिए प्रायोरिटी 200 नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी है ब्लू कलर की लाइन। सो अगर मेरी लाइन को आगे टेस्ट कर देता है तो उसका ऑलमोस्ट अपना काम खत्म हो जाएगा, फिर निकलने के लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ है ना, आईटी के अंदर में, रैली के अंदर में सब चढ़े हैं, अगर सब चढ़े हैं तो मार्केट सबको पैसा देगा नहीं, तो वो उतार रहा है नीचे एक बार, फिर वो चलने के लिए रेडी हो जाएगा। लुक एट द फार्मा। फार्मा के अंदर में क्या हुआ देखो, फार्मा ने अच्छे तरीके से नीचे की तरफ में फेक ब्रेकआउट देके जाने की कोशिश करी थी, नीचे आया, नीचे से अच्छा पैटर्न बना के निकाला है, पूरी वी शेप रिकवरी इसने मारने की कोशिश करी, पर यहाँ पे अब ये ओवरबॉट हो रहा है। तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा फॉल बनाना पड़ेगा, कम से कम इस लाइन तक 13,500 के आसपास में, अभी चल रहा है 13,800 के आसपास में, तो 300-400 पॉइंट का आपको एक फार्मा के नीचे भी एक थोड़ा सा करेक्शन मिल सकता है। फिर ये हो जाएगा कि यहाँ से आया, इसकी इस चाल की इसको पूरी करेक्शन करना है, करेक्शन करें फिर निकले, तो ये ब्रेकआउट भी अच्छा बनेगा और इस लेवल तक फिर हम आने के लिए इजी हो जाएंगे 14,300 के आसपास में भी। ज्यादा कर लेगा तो 15,000 अगर ले लू मैं, सॉरी 14,500 इस लेवल तक भी अगर देखो तो बिल्कुल निफ्टी फार्मा आ जाएगा, पर उसके लिए अभी इस हफ्ते या आने वाले हफ्ते में इसको थोड़ा सा करेक्शन देना चाहिए। नेक्स्ट इज द पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक तो एकदम टकाटक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएसयू बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन गया 2830 का। अब ऊपर निकला है, ज्यादा करेक्शन कर लेता बैंक निफ्टी के साथ में आके थोड़ा तो यहां तक कर दे, एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे, अगर इसका काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस हाई के ऊपर में मिलेंगे बहुत ही जल्द। तो अभी दरवाजे खुले हैं, बहुत अच्छे तरीके से निकाला, तो इतने आसानी से भी नीचे आएगा नहीं। नेक्स्ट इज द इंफ्रा। इंफ्रा ने तो बहुत ही फास्ट रिकवरी मारी है, तो सर इसको थोड़ा सा थमना पड़ेगा। निकला रुखा, निकला रुखा, खींच दिया अब रुख रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसी हाई के ऊपर में करना चाहिए, एक लाइन में आपको बना देता हूँ, इस हाई के ऊपर में ही करना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा निफ्टी इंफ्रा के लिए। यहाँ पे आए, रुके, फिर निकले तो बहुत अच्छे आपको मूवमेंट, जो लोग मिस आउट कर चुके हैं ना इंफ्रा वाले स्टॉक्स में से, आपको फिर से एक बार फिर मौका दिया जाएगा। और फिर जो ऊपर के जो टारगेट है ये लेवल्स है, इन लेवलों पे आके कहीं ना कहीं फिर निफ्टी इंफ्रा आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज द निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। इसके लिए बहुत लोग मुझे पूछते रहते हैं, सर इसमें ऑप्शंस में करेंगे ट्रेड या नहीं? सर फिलहाल नहीं, कम चीज़ों में मैं आना चाहता हूँ, कम पर क्वालिटी पर अच्छे, कि पैसा तो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक ही जगह से बनना है, अब किधर भी हाथ पर मार लो आप,
टाइम अगर बनाना है, अच्छे पैसे बनाना है, तो कम जगह पे काम करो, अच्छा क्वालिटी का काम करो। तो इसका अगर मैं एनालिसिस देखता हूँ अभी तक ठीक है, अभी बैंक निफ्टी की तरह यहाँ तक आना चाहेगा, 17,250 तक आ जाएगा, फिर यहाँ से इसको निकालना है, बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है, रेजिस्टेंस के आसपास रुकता है अक्सर इंडाइसेस, तो हमने देखे बहुत बार रुकते हैं, ये भी रुक रहा है, पर अच्छे तरीके से ब्रेकआउट बना के निकाला है, तो इट विल सस्टेन। नेक्स्ट इज द रियलिटी, रियलिटी तो निकला हुआ है, ऑलमोस्ट टारगेट तक आ चुका है, 479, 10 रुपये ऊपर जाएगा तो 490 के आसपास में आ जाएगा ये, तो ब्लैक लाइन को टेस्ट करना है, इसको दरवाजे पूरे खुले हुए हैं, फिर यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करेगा इस रेंज के अंदर में, फिर निकलेगा तो ज़्यादा बेहतर है। कमोडिटी तो शानदार निकल रहे, प्राइसेस बढ़ रहे, सब कुछ सही है भैया, आप ये तो एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के पास रुका, रुक के निकाला है, रुक के निकाला है तो लंबा जाएगा, लंबा गया भी, अब ये आ रहा है 6,600 के आसपास में, इसका एक टारगेट निकल के आता है, तो यहाँ पे आके फिर देखते हैं कैसा कार्यक्रम करता है। एक लाइन आपको फिलहाल टेम्पररी बना देता हूँ मैं, तो 6,600 के आसपास के देखेंगे कमोडिटी के अंदर में क्या होता है, तब तक के लिए इसको बेचने की जल्दी भी करना भी नहीं, हर एक कैंडल के लो के नीचे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए चलो, एंड आप अपना काम कर सकते। कंजम्पशन आज इंडिकेशन दिया है कि शायद मैं यहां से निकालू, पर मेरे को इतना खास लग नहीं रहा है, क्योंकि 2 दिन अगर रुके हुए हैं तो कंजम्पशन को अगर निकालना था तो आज रुकना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, आज वैसे इंडाइसिस गिरा तो भी ये थोड़ा पॉजिटिव में ही क्लोज हुआ है, तो एक दिन अपन इसको और मौका देते हैं, कल और परसों का निकालता है तो इस लेवल तक तो एकदम आराम से आएगा, 7,200 तक, वरना एक बार इसको ना थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे काम निपटाना है, बिना काम किए अगर जाएगा तो ज्यादा लंबा जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से चाल बनाया करेक्शन की, अब यहाँ से चाल बनाया करेक्शन नहीं बनी, बहुत लंबी चाल बन गई है, और यहाँ पे रुकने का इंडिकेशन भी था, उसको फेल कर दिया है, फेल कर दिया और आज नहीं जा पाए, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन में थोड़ी ज्यादा चाल ना बना पाए, फिर भी लाइन के ऊपर में है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सारी चीजों से बढ़कर लाइन है, तो लाइन आती है 7,095 की, इसके ऊपर में तो कंजम्पशन के लिए ये टारगेट बिल्कुल ओपन है, स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप इसके नीचे 7,026 के नीचे, तो आप समझ जाना कि फिर ये थोड़ा करेक्शन के मूड में आएगा, फिर इसका रिटेस्ट होगा, ये 6,900 का रिटेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। FMCG निकला है बहुत अच्छे तरीके से, निकाला राउंडिंग बॉटम बना के निकाला है, बहुत अच्छे तरीके से निकाला है, 38,900 के आसपास आएगा, तो ये भी ऑलमोस्ट आके यहीं पे फंसेगा, तो 2 दिन में अगर आपको यहाँ पे दिखता है FMCG तो डोंट बी सरप्राइज, चाल बन सकती है। निफ्टी मेटल बहुत शानदार तरीके से आ रहे, मेरे को लग रहा है अब यहाँ पे ओवरबॉट होना चालू हो जाएंगे ये, अभी तक तो सिम्टम नहीं मिले ओवरबॉट होने के, तो 6,700 के आसपास में है ये, 7,000 के आसपास में आपको आने वाले टाइम में निफ्टी मेटल्स मिल सकता है, तो अभी कोई टेंशन नहीं है जब तक ये लेवल कटता नहीं है 6,600 के आसपास में, ठीक है। मीडिया देखो तो मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रॉपर रेंज में अपने आप को बांध के रखा है, अब उसने ऐसा बोला है कि मैं काट रहा हूं, तो अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर निकलता हुआ दिखेगा तो फिर इसके अंदर में निफ्टी मीडिया में चाल चालू हो जाएगी, मीडिया सेक्टर के अंदर में आप वहां पे देख सकते हैं। अब बाकी अगर देखता हूं मैं तो निफ्टी मिड कैप के अंदर में क्या हो रहा है, एक चीज यहाँ पे देख लो, जैसा हमारा निफ्टी के अंदर में काम चल रहा है वैसे ही निफ्टी मिड कैप के अंदर में काम चल रहा है, तो ये भी इसने अभी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके रखा हुआ है, आज काटा है, देखते हैं सस्टेन करता है या नहीं, करता हुआ मिला तो इस लेवल तक आ जाएगा 32,240 के आसपास में, तो ये भी अपना कार्यक्रम बिल्कुल चालू रखेगा, अभी तो इनकी जर्नी चालू भी नहीं हुई है, वे स्मॉल कैप देखो तो निकला भी नहीं है, अभी यहाँ पे रुक रहा है, रुकता है तो 10,600 के आसपास आ सकता है, ब्लू कलर की लाइन रिटेस्ट करने के लिए पैटर्न बना के दिखाऊं, ये देखो ऐसा आएगा, रुकेगा, रुक के फिर बाउंस लेके निकलना चालू करेगा, तो ये ऐसा निकलता हुआ दिखेगा तो बहुत अच्छा है, वरना इसी चाल को यहीं पे साइडवेज करके खींच देता है तो यहां तक तो आराम से आ जाएगा 11,400 के आसपास में, 11,350 11,400 के आसपास में इंडेक्स आपको स्मॉल कैप देखने मिल जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी प्रॉपर इसको ब्रेकआउट मारा, निकला है, अभी इस हाई तक पहुंची गया, अब यहाँ पे इसको रुकना है, तो ये अपनी रुकने वाली जगह पे आ गया है, तो थोड़ा इसके तरफ में भी ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल मैंने आपको सारे सेक्टर्स के बारे में बता दिया, क्या क्या मुझे नजर आता है, किसी में कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा सा आईटी में डाउट आ रहा है मेरे को, आईटी ने थोड़ा पलटा दिया है, तो शायद कल परसों में थोड़ा और गिरावट बन सकती है, तो नीचे बाकी सब एकदम सही है, कुछ टारगेट्स के पास आ रहे, कुछ अभी चल गए तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा रुक जाएंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी मैं थर्सडे वाले दिन आपके साथ मिलूंगा, वीकली वीडियो मेरा आ जाएगा थर्सडे वाले दिन, फिर आपको फ्राइडे वाले दिन फिर सेक्टर एनालिसिस के बारे में बता दूंगा, तो आपका एक हैंड होल्डिंग पहले से रेडी हो जाएगा सैटरडे संडे के पहले, देन यू कैन मेक पोजिशन फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई सारी चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, अभी तक तो चैनल को देख रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।